हेलो एवरीवन, शाखा में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चिकन भुना मसाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाफ के जी चिकन ब्रेस्ट पीसेस ले लिए हैं और उसे अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और उसे धो के और उसका पानी अच्छे से निचोड़ के एक बोल में मैरिनेट करेंगे। अब इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, गार्लिक, जिंजर पेस्ट, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और उसमें डालेंगे विनेगर। इन सब को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करेंगे। इस मैरिनेशन को ढक के अच्छे से हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। एक पैन को गैस पे रख के अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के थोड़ा ज़ीरा डालेंगे और ब्राउन होने देंगे। 1 चम्मच देसी घी भी डाल रही हूँ। ज़ीरा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें 2 अनियंस मीडियम काटे हुए फाइन अच्छे से काट के इसमें अभी हम ब्राउन करने के लिए डाल रहे हैं। मीडियम हीट पर अच्छे से अनियंस को ब्राउन करेंगे। अब अनियंस थोड़े ब्राउन हो गए हैं तो मैं गैस को सिंपर कर देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और इस मसाले को रोस्ट करेंगे। गैस इस टाइम सिंपल है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करके रोस्ट करते रहेंगे और बीच में गैस को हाई लो एडजस्ट करते रहेंगे। 1/2 टीस्पून चिल्ली पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट डाल रही हूँ। 2 टमाटर की प्यूरी बना ली थी मैंने मिक्सी में, अब वो इसे इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को थोड़ा हाई कर दूंगी और रोस्ट करेंगे। 5 मिनट रोस्ट करने के बाद अब इसमें मैं मैरिनेटेड चिकन भी डाल रही हूँ और उसे भी अच्छे से रोस्ट करेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा रिड्यूस कर लिया है और सिम पर रखा हुआ है इस टाइम। गैस फ्लेम को फिर से तेज कर रही हूँ। फ्लेम आप बीच में एडजस्ट करते रहिए, कभी हाई कभी लो। फ्लेम को थोड़ा लो करके इसको 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। चिकन ने पानी छोड़ दिया है इसलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रोस्ट करेंगे पानी सूखने तक। कवर करके 5 मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। 2 टेबलस्पून बीटन कर्ड भी डाल रही हूँ और फिर से अच्छे से रोस्ट करेंगे। चिकन मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है।
घी भी निकल गया है, इसमें डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके रोस्ट करेंगे। आठ काजुओं को मैंने गर्म पानी में भिगो के मिक्सी में पेस्ट बनाया था, उसे मैं अब डाल रही हूँ और मिक्स करके रोस्ट करेंगे। गैस को हाई पर रखकर रोस्ट करेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इससे अच्छा लाल रंग आता है। पानी डाल रहे हैं जिसमें मैंने काजू को ग्राइंड किया था, उसी मिक्सी में पानी डाल के वो मिक्स कर रही हूँ। अब इसको फिर से कवर करते हैं क्योंकि कुक भी होना है। फिर से कवर करके 5 मिनट्स के लिए लो पर कुक होने देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 10 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे। दो मिनट के लिए कवर कर रही हूँ मैं। थोड़ा गरम मसाला, हरा धनिया कटा हुआ इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हिला के 5 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेते हैं। और चिकन इज रेडी। गैस कर रही हूँ मैं। चिकन तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर बनाइए और सब मिलके खाइए। एंजॉय लाइफ। बाय बाय।